नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जहां एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हर चरण संपन्न करा लिया गया है, तो अब बारी है सरकार को पंचायतों के द्वारा लेखा जोखा देने की। ऐसे में हम आपको बता दें कि हर साल राज्य सरकार के तरफ से पंचायतों को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है, लेकिन इन अनुदानों को देने के बाद पंचायतों की तरफ से कोई हिसाब सरकार को सौंपा नहीं जाता है। ऐसे में बिहार में सभी पंचायतों को टोटल 34,000 करोड़ का हिसाब बिहार सरकार को देना है और अब इसके हिसाब की बारी आ चुकी है। क्या कुछ होने जा रहा है और अब इन हिसाबों को लेकर बिहार सरकार ने क्या कदम उठाया है पंचायतों पर, अब ऐसे में देखा जाए तो एक गाज गिरने वाली है। उनको अब हिसाब देना है बिहार सरकार को अपनी सभी लेखा जोखा का, सभी अनुदानों का। क्या कुछ कहना है बिहार सरकार का और क्या होने जा रहा है अब पंचायतों में, आईएएस की पूरी अपडेट आपको देते हैं। बता दें कि राज्य की पंचायतों को हर वर्ष करोड़ों रुपए अनुदान के तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलते हैं, परंतु इन रुपए के खर्चों का कोई लेखा जोखा ये पंचायतें सरकार को वापस नहीं देती है। इस वजह से पंचायतों के पास वर्तमान में 34,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी अटका हुआ है। यूसी नहीं देने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार से मिले अनुदान के ये रुपए किस किस मद में कितने खर्च हुए, यहाँ कितने रुपए खर्च हुए हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में भी बकाया यूसी को लेकर कई बार आपत्ति जताई गई है और इसका निपटारा जल्द करने के लिए सरकार को कराने के लिए कहा है। पंचायती राज विभाग को भी राज्य सरकार ने कई बार यूसी जमा कराने को लेकर पत्र लिखा है, लेकिन अब तक इसमें कोई खास कमी नहीं आई है, बल्कि हर साल इसमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। हर वर्ष सरकार पंचायतों का अनुदान जितना ज्यादा बढ़ाती जा रही है, लंबित यूसी की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। वर्ष 2002 से 2014 तक 2000 करोड़ रुपए का यूसी सभी पंचायतों में बकाया था। 2014 से 2021 तक इस बकाया राशि में 32,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है और यह बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रत्येक साल हजारों करोड़ रुपए की बकाया राशि लंबित यूसी के फेहरिस्त में जुटती जा रही है। 2002 से 2014 तक 2000 करोड़ रुपए का यूसी बाकी था। 2014-2015 में लंबित यूसी में 700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। इसी तरह 2015-2016 में 600 करोड़, 2016-2017 में 4,500 करोड़, 2017-2018 में 8,000 करोड़ और 2019-2020 में 9,000 करोड़ रुपए यूसी में बढ़ोतरी हुई। इस साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बार के पंचायती राज चुनाव में करीब 70% मुखिया व प्रमुख समेत अन्य सभी जनप्रतिनिधि नए जीत कर आ गए हैं। इस वजह से पंचायतों में बकाई राशि की वसूली होना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनुदान की राशि का उपयोग या खर्च पुराने जनप्रतिनिधियों ने किया है। ऐसे में नए जनप्रतिनिधियों के लिए इसका हिसाब देना बेहद मुश्किल होगा और पुराने वाले अब कितना हिसाब देंगे यह भी बेहद मुश्किल है। बिहार में पंचायतों के पास सरकार का टोटल 34,000 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कई बार पंचायती राज विभाग को इस बाबत पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब उस तरफ से अभी तक नहीं आया है। ऐसे में बिहार सरकार और पंचायतों की मुश्किलें एक साथ बढ़ने वाली है। पंचायतों को सभी अनुदानों का टोटल हिसाब देना होगा, जितना भी अनुदान बकाया है उन सबका लेखा जोखा पंचायतों के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया है और नए जनप्रतिनिधियों पर ये गाज गिरने वाली है। उन्हें पुराना सभी लेखा जोखा और हिसाब अब सरकार के सामने पेश करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।